हेलो गाइस, आपको मैं एक बहुत बुरी बात बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा। अपने देश की गरीबी में और ये देश को लुढ़ियाने का पूरा काम चल रहा है गाइस। यहाँ पूरी जिंदगी माँ कसम एक चीज़ के लिए अपन लोग रह जाते हैं। मेरे को एक चीज़ दिखी थी गाइस, वो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। दिखाऊंगा गाइस, सोचोगे कि साला ये ज़िंदगी कैसा होगा, मादर सो कि क्या होता है। आप देखोगे तो बोलोगे गाइस क्या है ये, कौन से बला है गाइस। साला अपने देश का झंडा मादर चो कितना गंदे जगह से फेंका हुआ है गाइस, आप देख सकते हो। ये देश का झंडा है गाइस और ये मादर चो ऐसे कोई फेंक के चला गया कि माँ का भोसला। ये देश का गाइस झंडा है, ये देश का गाइस झंडा है और इस झंडे की अपमान इतना हुआ है कि क्या बताएं। इसकी सारी इज्जत तो हम ही है, बर्बाद हम ही लोग करते हैं गाइस। सारी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है इस झंडे की। ऐसे झंडा को आप क्या बताएं, झंडा तो हमारा ही है पर हम इसकी पूरी माँ कर दिए हैं, क्या बताएं गाइस अब इसके बारे में हम। ये अपने राजनेताओं की सब कर्मपूत है, ऐसा काम करते हैं कि क्या बताएं। साला काम करने गए तो काम भी करने के अपने देश की इज्जत तो कर लो सर। इज्जत तो झंडे की कर सकते हो, ये झंडा तो अपना देश की इज्जत है, इसको बचाना जरूरी है। इसको बचाओगे नहीं तो गाइस तो आप निपुर जाओगे। पूरे झंडे का तो हम सम्मान करना चाहिए, तो बाकी हमें कचड़े में फेंक दिए, चप्पल जूते के साथ रख दिया गाइस। ये झंडा हमारा देख सकते हो गाइस कहाँ पड़ा था गाइस, आप देखे हो कहाँ से मैं लेके आया हूँ गाइस। इसका कोई सम्मान करेगा गाइस, ये वीडियो हजारों लोग तो शेयर कीजिएगा गाइस, मिलियन करोड़ों हजार। ये वीडियो ऐसा भी होना चाहिए कि लाखों मिलियन व्यूज चलना चाहिए गाइस। इस वीडियो में मैं करोड़ों लाइक चाहता हूँ कि मेरे बातों को जाने और देश की इज्जत करें। इज्जत करो और अपने झंडे के सम्मान के बारे में सोचो गाइस। झंडा क्यों पड़ा रहा, हजारों देखते हो ना, पंद्रह का 26 जनवरी में लाखों लोग फेंक देते हैं गाइस झंडे को। सारा सम्मान कोई इज्जत ही नहीं है। ओके गाइस धन्यवाद, इस झंडे को अपने घर में सजा के रखो गाइस। धन्यवाद, मेरा नाम केबी साहू है फ्रॉम MP, बटारा में रहता हूँ। कोई समस्या हो तो मेरे संपर्क करें।